प्यारे बच्चों नमस्कार, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों अभी तक आपके जो 11th क्लास का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, उसका लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है, जिसके अंदर आपको मैंने बताया कि एंगल क्या होता है, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो उसके मेजरमेंट की आपको मैंने कुल 3 तरीके से करना बताया। डिग्री जो आपका पढ़ा हुआ है, एक हमने पढ़ा ग्रेड सिस्टम, जो फ्रेंच सिस्टम है जो आपके यूज नहीं होता है, और एक लास्ट में हमने पढ़ा था रेडियन, जो आपके सबसे ज्यादा यूज होता है। और आज जो हम लगभग क्वेश्चन या एग्जांपल करेंगे वो रेडियन से ही रिलेटेड होंगे। और साथ में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का कनेक्शन बताया था फॉर्मूला की एल इक्वल टू आर थीटा, या थीटा इक्वल आप कह सकते हो एल अपॉन आर। लेकिन यहां पर जो बच्चों सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन आपके रहता है वो ये है कि यहां पर बच्चे थीटा को डिग्री में मेजरमेंट कर लेते हैं तो वो बात गलत होगी। ये जो थीटा है वो थीटा सी अर्थात रेडियन को बताता है। किसको बताता है? आपको रेडियन को। तो जब इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो मुख्य काम क्या होगा वो ये होगा कि यदि थीटा रेडियन में है तो ठीक है, अदरवाइज रेडियन को डिग्री में है तो रेडियन में चेंज करो। अब आपको बात आती है डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था थीटा सी की वैल्यू होती है पाई बाय 180 इंटू थीटा डिग्री, और थीटा डिग्री की वैल्यू बताइए आपको 180 अपॉन पाई इंटू थीटा सी। अब बच्चों देखो मैं आपको कुछ और इसके बारे में बताना चाहूंगा। मान लीजिए जो थीटा है वो क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए। मान लीजिए कि यदि जो थीटा डिग्री की वैल्यू है वो 180 डिग्री हो तो थीटा रेडियन में कितना आएगा पाई बाय 180 इंटू 180, ये कैंसिल होकर तो रेडियन में वो वैल्यू क्या आ जाएगी पाई। थीटा डिग्री यदि 180 हो तो रेडियन में वो पाई। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि पाई इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। तो बच्चों बात समझ में आ गई। अब कईयों के दिमाग में आएगा कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, आएगा ही नहीं आएगा। लेकिन बच्चों हम पाई लेंथ में रेडियस में यूज नहीं कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस या एरिया के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, हम एंगल मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, कोणों के मापन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोणों यानी जो एंगल का जब जिक्र आ जाए, कोणों का मापन का जब जिक्र हो, वहां पे पाई 22/7 वैल्यू ना देकर हमें क्या वैल्यू देगा 180 डिग्री। तो इस तरीके से भी पाई 180 है तो पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 90, पाई बाय 3 60, पाई बाय 4 45 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री। बात समझ आ गई होगी। तो अब हम जो एंगल मेजरमेंट करेंगे वो पाई की फॉर्म में करेंगे, क्योंकि आगे के जो हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं या आगे जो भी बातें हम यूज करेंगे वो फॉर्मूले पाई के फॉर्म में लिखे होंगे, तो फॉर्मूले जल्दी समझ आ जाते हैं। क्योंकि मतलब तो पाई के फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं एक बार, जैसे ये आपका एंगल दर्शाने का भी प्रोसेस होता है, ये पाई बाई 2, पाई 3π/2 और 2π, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये 90 हो गए, 90 180 270 ये 360, एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहां पर जो एंगल वापस आएगा उसको मैं कितना लिखूंगा 450, यहां वाले को 540। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलते रहेगी। लेकिन यदि मैं इसको पाई की फॉर्म में लिखूं, जैसे यहां पे आएगा 3π 5π 7π 9π, ये पाई बाय 2, 5π बाय 2, 9π बाय 2, 13π बाय 2, कुछ ऐसा।
और ये आएगा 3π/2, 7π/2, 11π/2 कुछ ऐसा, यहाँ पे 2π, 4π, 6π, 8π। तो अब पाई से मल्टीप्लाई करते रहो तो हमें उस एंगल की एग्जैक्ट पोजीशन पे आने में 10 मिलेगा जरा, ठीक है। वरना बच्चों एंगल कहाँ होगा ये पता करना जरूरी है हमें, यहाँ पे क्या होगा एंगल की पोजीशन पता करनी जरूरी है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, उसके आधार पे उसकी वैल्यू होती है, पॉजिटिव नेगेटिव वो सब, ठीक है। आपने अभी तक बच्चों जो 10th क्लास तक पढ़ा वो सिर्फ आपने ये पढ़ा कि जो एंगल है वो पॉजिटिव क्वांटिटी देता है आपको और 0 to 90 के बीच होता है, लेकिन आप अगर देखो कि उसको राउंड पे राउंड चलाते रहे हम तो वो एंगल तो कितना भी ज्यादा डिग्री का जा सकता है, 360 से भी बड़ा हो सकता है। अब प्रॉब्लम तो ये आ गई ना कि 360 से बड़े एंगल का मेजरमेंट कैसे होगा, तो उनके लिए फॉर्मूले होंगे और उनको हम पाई के अकॉर्डिंग इनमें चेंज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके रेडियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की, तो उनको देखो आप समझो। तो बच्चों आपकी बुक का ही क्वेश्चन हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं आज, तो बच्चों सबसे पहले हमारा एम क्या होगा कि आपके जो 3.1 से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल है उनको कवर कर लें, इसके बाद इसके क्वेश्चन पे आएंगे फिर आगे की प्रोसेस पे, ठीक है। तो समझिए इसको, तो बच्चों ये जो टॉपिक हमें दिया गया है तो क्वेश्चन है कि पहला एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया गया है कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। यानी बच्चों हमें क्या करना है कि हमें एक वैल्यू दे दी 40 डिग्री 20 मिनट, इसको कन्वर्ट किस में करना होगा, रेडियन में। ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 1। अब बच्चों मैं आपको स्टार्टिंग से भी बता रहा हूँ कि ये जो आपकी क्लास है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के स्टूडेंट के लिए है, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्डिंग में आपको ये बातें सारी बता रहा हूँ। कोई समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोबारा उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि हमें एक वैल्यू दे दी 40 डिग्री 20 मिनट, तो ये वैल्यू कंप्लीटली डिग्री में है क्या, पहले ये देखो नहीं है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। लेकिन अब ये सोचिए आप खुद कि क्या ये वैल्यू कंप्लीट डिग्री में है क्या, तो नहीं है। यहाँ पे मिनट वाले कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए हमें मिनट को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, तो हमने पढ़ा था 1 degree = 60 minutes, यानी 1 degree में 60 मिनट होता है, तो 1 minute = हो जाएगा 1/60 degree। तो एक चीज कंफर्म हो जाती है कि यदि मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं तो ये कंप्लीट वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, डिग्री में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा डिग्री इक्वल टू मैं लिखूंगा 40 degree एंड 20/60, तो 40 degree तो अलग है, ये हो जाएगा 1/3, तो 3 into 40 120 + 1 तो हो जाएगा 120/3 degree। तो जो हमारे पास जो थीटा डिग्री की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 121/3। पहले बताइए इतनी बात समझ आई या नहीं है, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, क्लियर हुआ बच्चों। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूं एक बार ये कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें ये दिया हुआ है कि एक वैल्यू दे दी जो डिग्री और मिनट के अंदर एंगल की, आपको क्या करना है उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा है कि हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पढ़ा है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पे तो कंप्लीटली डिग्री में तो दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ पे मिनट है, तो सबसे पहले हमने क्या किया मिनट को डिग्री में चेंज किया। तो डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिवर्स के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दो, डिवाइड किया 1/3, इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में बनाया तो ये हो गया 121/3, डिग्री में चेंज हो गया।
अब रेडियन में थीटा सी की वैल्यू क्या होती है? पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू थीटा डिग्री, वैल्यू पुट कर दो, पाई अपॉन 180 इंटू 121 अपॉन 3। पाई की वैल्यू पुट मत करना, 180 कैंसिल हो जाएगा, फायदा क्या है, वही रहेगा, ठीक है। पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई रखनी है, आई बात समझ में? पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है, पाई ही रहेगा, चेंज नहीं करना है। तो कैंसिल कुछ हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई करो तो 121 पाई अपॉन 4540। तो ये आ गई बच्चों आपके इस वैल्यू का रेडियन मान। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन समझ आया ही नहीं है? बच्चों देखो ये जो टॉपिक है आपके लिए हो सकता है कुछ नया हो, बाकी शायद मेरे हिसाब से आपका विज्ञान में पढ़ा हुआ है दसवीं के, तो हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, थीटा डिग्री में वैल्यू कन्वर्ट कर ली कंप्लीट। उसके बाद रेडियन के लिए क्या किया, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, थीटा डिग्री की वैल्यू 121 अपॉन 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 121 पाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 540। तो क्वेश्चन कंप्लीट, समझ आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि चेंज दी 6 रेडियन इंटू डिग्री, कि हमें क्या करना है, 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, जो आया आपका एग्जांपल नंबर 2। एन थीटा सी इक्वल टू 6 रेडियन है और हमें क्या करना है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले वो तो जो प्रोसीजर है वो तो समाप्त है, क्लियर वैल्यू में चेंज करना, सीधा दिख रहा है कि 6 रेडियन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 पाई इंटू थीटा सी, तो 180 डिग्री इंटू थीटा सी की वैल्यू 6। अब बच्चों अब जो बात है वो सब और इंपॉर्टेंट आ जाती है, कि आपके माइंड में एक बात आई है यहां पर कि पाई, अब पाई को रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है, कि मैंने आपको बताया था पाई रेडियन को दर्शाता है, नहीं कि डिग्री को। अब पाई को रिमूव करने में 180 यहां पे यूज करूं, फिर कैंसिल हो गया, वही रहा। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 ना आकर क्या आएगी, 22/7, याद करो लेंथ वाले आर्क वाले कंसेप्ट को चलेंगे हम, ठीक है। तो 7 ऊपर आ जाएगा, तो 180 डिग्री इंटू 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। 2 से इसको यदि मैं कैंसिल कर दूं, ये 11 हो जाए, ये 3 हो जाए, तो 180 इंटू 21 अपॉन 11। तो लगभग बच्चों इतना आएगा। अब आपका काम क्या होगा कि इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए 11 से, तो आपको डिग्री मिनट डिग्री में और कुछ कंप्लीट कुछ हाफ वैल्यू मिलेगी, और इसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा वो सारी प्रोसेस। तो जो अगर मैं इसको डिवाइड करके आपको बता देता हूँ, इसको यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 3 पे जाएगा सबसे पहले, 484 क्या हो जाएगा, 40 मेजरमेंट कर सकते हो, लेकिन 7 अपॉन 11 डिग्री को मेजरमेंट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता या नहीं हो जाता। तो फिर मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था कि डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करिए, और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिनट आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 343 डिग्री 420 अपॉन 11 मिनट। इसको इससे डिवाइड कीजिए 11 से, तो 11 3 जा 33, 908 तो शायद 2/11 ये मिनट हो जाएगा जी, कुछ ऐसा ये मिनट में ही एक बार, 343 डिग्री 38 मिनट, इसको सेकंड में चेंज कर लो, इंटू 60 सेकंड आ गया, तो आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट, और इनका मल्टीप्लाई जाएगा 120/11 सेकंड। अब बच्चों ध्यान से देखो, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकंड अप्रोक्स लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तब चलो ये मैंने कंपेयर सॉल्व कर दिया एक बार आपके लिए।
हो सकता है हमें से कई बच्चों को डाउट आता है, यहाँ पे छोड़ देता तो एक बोल देता चेंज कर लो, तो बच्चों मैंने आपको कंप्लीट चेंज करके बता दिया। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था कि 6 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप 180 डिग्री अपन पाई से मल्टीप्लाई करोगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर आ गया, 2 से कैंसिल कर दिया, 3 और 11 ऊपर वालों का मल्टीप्लाई होता है 3780 और नीचे है 11, इसको मैंने डिवाइड किया तो आया 3437/11। ये जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो 7 होगा। तो 343 डिग्री को मेजरमेंट करना हमारे लिए बहुत ईजी है, लेकिन जो 7/11 है इसको मेजरमेंट करना बच्चों थोड़ा टफ हो जाता है। इसको हम एंगल नहीं बना सकते। 7/11 का जो आप डी आपकी, उसमें जो 1 डिग्री आप देखो कितना नीचे होता है, उसको मेजरमेंट करना और उसका भी अगर एक पार्ट करना पड़ जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसलिए इसको एक ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट किया जिसको हम मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने इसको 60 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको सोल्व किया, या डिवाइड करने पर यह तो 38 मिनट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन 2/11 मिनट भी डिफिकल्ट है। ये आपको क्लॉक देकर 2/11 मिनट की वैल्यू पे प्रॉब्लम आ जाएगी ना, इसलिए उसको सेकंड में चेंज किया। सेकंड आती है अप्रोक्सीमेट 11 सेकंड, और इन सब वैल्यू को आप 343 डिग्री को, 38 मिनट को, 11 सेकंड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली डिनोट कर सकते हो। तो बच्चों ये 2 एग्जांपल कंप्लीट हुए। देखिए कोई डाउट है तो, यदि डाउट है तो ये, अदरवाइज नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो दिया गया फाइंड द सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल भुज थीटा डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड जो लेंथ ऑफ आर्क है 37.4 सेंटीमीटर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में ये दिया है कि कोई आर्क है जो सेंटर के ऊपर 60 डिग्री, और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो है 37.4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिपीट कर देता हूँ, पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे आराम से सुनिए। क्वेश्चन ये दिया कि कोई चाप है जिसकी लंबाई 37.4 सेंटीमीटर है, और जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यानी हमें दिया है कि कोई आर्क है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 37.4, और जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल जनरेट कर रहा है, तो रेडियस कितनी होगी सर्कल की वो फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होता है L इक्वल टू आर थीटा, और आर की वैल्यू होती है L/थीटा। तो बच्चों बहुत जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को करने में मत लग जाना, क्योंकि मैंने आज भी आपको ये बात बताई है कि इस फॉर्मूले के अंदर जो थीटा होता है वो रेडियन के अंदर होता है, और जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसके अंदर जो थीटा है वो डिग्री के अंदर मेजरमेंट किया हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले हमें थीटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, और रेडियन में जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है, आप जानते हो कि थीटा डिग्री को यदि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो रेडियन में चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा पाई बाई 3। तो इससे एक सी बात क्लियर हो जाती है, यहाँ पे जो थीटा सी की वैल्यू है वो आएगी पाई बाई 3, और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो है 37.4। क्लियर हुआ इतना। अब जो आगे की प्रोसेस है वो देखिए, हमें अब क्या करना होगा, हमें आर चाहिए, आर का फॉर्मूला होता है L/थीटा सी, एल की वैल्यू है 37.4, थीटा सी है पाई बाई 3, तो 3 रिवर्स में ऊपर आ जाएगा, पाई की वैल्यू। अब हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे 180 पुट नहीं करनी, यहाँ पे पाई की वैल्यू आएगी 22/7, 7 भी ऊपर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 37.4 × 3 × 7/22। इसको इससे मैं कैंसिल करूंगा तो 17 आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा अपना 1.7, ये हो जाएगा 21। तो 1.7 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 34.7 में अप्रोक्सीमेट, सॉरी 35 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि प्लस 1 ऐड करोगे ना सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की जो बच्चों रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 35.7 सेंटीमीटर। यहां से थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करते हैं, एक चीज बताता हूँ, ये जो पाई बाई 3 है 22/7 × 3, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1. समथिंग होती है। और आपको क्या बताया था, थीटा सी जब दोनों इक्वल हो यानी इनका रेशियो 1 हो तब होगा, तो अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगी इनकी, अगर थोड़ी सी इसकी और बढ़ जाए उसकी कम हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करते हैं आगे क्वेश्चन। तो बच्चों ये बात, ये बेसिक जानकारी समझ आ गई होगी कि हमने जो एग्जांपल किया अभी तक 3 मिनट में, हमने रेडियन को थीटा में कन्वर्ट करना सीखा, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा, और जो लेंथ ऑफ आर्क है जो रेडियस है इनके कॉन्सेप्ट को भी समझा। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो समझिए आप, एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी बुक का, जो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 है वो क्या है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। तो क्वेश्चन ये हो गया कि एक बच्चों आपके पास एक क्लॉक है जिसके जो मिनट का जो हैंडल है उसकी जो लेंथ है वो है 1.5 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग ये नहीं हो जाएगा क्या कि जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो अब बात आती है कि हमें ये बताना है कि 40 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ये पूछ रहा है कि इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, यानी 40 मिनट में, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आपकी क्लॉक है, आपके मिनट की हैंडल यहां पर है 12 पर, 40 मिनट के बाद ये हो जाएगी 8 पर, तो ये जो डिस्टेंस है वो बतानी है। तो इसका मतलब आपको बच्चों क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क। इतनी बस समझ आ गई होगी, हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें ये वैल्यू तो नहीं पता। तो ये पता कर लूं मैं कैसे ना कैसे, इसे फाइंड आउट कर लूं तो बताइए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो नीडल का कॉन्सेप्ट बच्चों जो है वो आपका 10th क्लास में भी आया, वो आपने पढ़ा होगा कि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री होता है इसमें, यानी जो 1 मिनट के अंदर जो मिडिल वाली है ये 6 डिग्री का एंगल जनरेट करती है। अब आपको सर कैसे, तो एक कंप्लीट राउंड होता है बच्चों 360 डिग्री का और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री का, टोटल 40 मिनट है, तो 40 मिनट कितने डिग्री का एंगल जनरेट करेगा, 40 × 6 यानी 240 डिग्री। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई होगी, लेकिन थीटा सी चाहिए अपने को, तो वो होता है पाई बाई 180 × 246 से कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 4π/3। थीटा सी आपके पास है, आर आपके पास है, तो एल क्या होता है, आर थीटा। तो बच्चों अब आपका काम रहेगा इसको सोल्व करना, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लेकर इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है तो आप बता सकती हो। हाँ एक बार रिपीट कर देता हूँ बच्चों, क्वेश्चन ये था कि जो आपकी वॉच है क्लॉक है उसकी जो मिनट की हैंडल है उसकी जो लेंथ है वो 1.5 है, और ये बताना है कि जब वो यहां से यहां तक आ जाएगी तो ये लेंथ कितनी होगी, जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी होगी। तो बच्चों लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है L=R थीटा, आर गिवन है बट थीटा नहीं है, लेकिन 40 मिनट का जो टाइम है उसके अंदर थीटा कितना हो सकता है हमें वो देखना है। तो हम जानते हैं 1 मिनट में जो मिनट की एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल जनरेट करती है, तो 60 डिग्री 1 मिनट को कवर करता है, तो 40 मिनट में कितना कवर हो जाएगा, 40 × 6 =
240 डिग्री, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 180 इंटू 240 डिग्री। सोल्व करने पर वैल्यू आई 4π/3, और जब बच्चों फॉर्मूला होता है वो होता है L इक्वल टू आर थीटा, तो आ जाएगा 4π/3 इंटू 1.5। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लेकर जब आप इसे सोल्व करोगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, और उसके साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 और बता रहा हूं, समझिए ध्यान से, सिंपल सा है। एग्जाम्पल नंबर 5 है बच्चों, हमें दिया हुआ, पहले हिंदी में बोल रहा हूं कि यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वो अपने केंद्र पर 65 और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन्हें से बच्चों इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास दो डिफरेंट सर्कल है और उनके आर्क है। पहले का आर्क L1 मान लिया, दूसरे का आर्क L2। क्वेश्चन में है कि L1 इक्वल टू इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2। L1 इक्वल L2 है, ठीक है। दो डिफरेंट सर्कल हैं जिनके जो पहले सर्कल की जो लेंथ है आर्क की वो L1 ले ली और रेडियस R1, इसमें L2 R2। L1 इक्वल L2 है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और इनके जो द्वारा थीटा है वो है 65.110 डिग्री। इसके जो अकॉर्डिंग थीटा डिग्री है वो 65 डिग्री और 110 डिग्री है, ठीक है। हमें क्या करना है, इनके रेडियस का रेशियो बताना है। तो L1 इक्वल L2 है, तो L इक्वल टू होता है R थीटा, R होता है थीटा अपॉन L। पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए तो थीटा 1c आ जाएगा, 65 इंटू पाई अपॉन 185 से कैंसिल होगा, ये होगा 36, ये हो जाएगा 13, तो आ जाएगा 13 पाई अपॉन 36, और थीटा 2c आ जाएगा 110 इंटू पाई अपॉन 180, इससे वह तो ये आ जाएगा 11 पाई अपॉन 18, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, थीटा 1 अपॉन L1 डिवाइड बाई थीटा 2 अपॉन L2, ये कैंसिल हो गई। यानी जो थीटा 1 और थीटा 2 का जो रेशियो वही होगा। थीटा 1 क्या है, 13 पाई अपॉन 36, और ये 11 पाई अपॉन 18, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 2, तो आ जाएगा 30 अपॉन 11 इंटू 2 22, तो इसका रेशियो आएगा कुछ ऐसा। क्वेश्चन हो गया बच्चों सॉल्व, कोई डाउट है? हम बच्चों ये भी मान लीजिए एंगल इसका लिया जाइए, इसका लिया जाए तो 22 रेशो 30 भी आ जाएगा, वो हमने एंगल अपने हिसाब से चुना उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अब आपके लगभग जो एग्जांपल थे 3.1 से रिलेटेड वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों आज का आपका वर्क क्या रहेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इन एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके बाद होमवर्क ये है कि जो 3.1 के जो जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है या जो आप स्वयं कर सकते हो, अपने आप सॉल्व कर सकते हो, उनको आप करने के प्रयास करो, सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, यदि कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है या जो नहीं होते, तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो कंप्लीट 3.1 के ऊपर फोकस रहेगा, जिसके अंदर हम इसी टाइप के क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।